करेंगे मध्य प्रदेश के दो जिलों का, राजधानी भोपाल और बुरहानपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से दीपक द्विवेदी और बुरहानपुर से हमारे सहयोगी गणेश जुड़ रहे हैं। पहले भोपाल का अपडेट ले लेते हैं। दीपक, मौसम को हमने देखा जिस तरह से परिवर्तित हुआ है, पूर्वानुमान मौसम विभाग पहले ही जाहिर कर चुका था, अभी आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? दीपक, बता दूं कि लगातार जिस तरीके से मौसम मध्य प्रदेश में बना हुआ, इसी तरह से बना रहेगा, क्योंकि साउथ राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और मध्य भारत से द्रोणिका लाइन गुजर रही है, जिसके चलते पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके से मौसम बना हुआ है। और राजस्थान में भी, क्योंकि राजस्थान का सिस्टम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इसीलिए दोनों जगह पर बारिश का दौर जारी है। ओलावृष्टि गरज चमक के साथ अभी आगामी समय का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। विदिशा हो गया या पश्चिमी मध्य प्रदेश के दे दीपक, तो उस ओर पूरी तरीके से अब ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा और भी उत्तरी मध्य प्रदेश में भी यह देखने को मिलेगा। तो लगातार मध्य प्रदेश में जो दो सिस्टम एक्टिव है, उसी का असर देखने को आगामी समय में मिलेगा। और 1 मई से दो सिस्टम और एक्टिव हो जाएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो ईस्ट पाकिस्तान पर बनेगा और हिमालय के ऊपर बनेगा, जिसके बाद 1 मई, यदि कह दें कि मई का शुरुआती दौर भी बारिश के साथ ही इस बार देखने को मिलेगा, तो करीब 5 दिनों का आगामी अलर्ट जारी मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कर रखा है और लगातार इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। इसके अलावा बिजली गिरने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी और इसीलिए बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा करीब 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी और सब जगह का, मध्य प्रदेश के अधिकतर जगहों का टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल की बात करें, यहाँ पर भी करीब 16 डिग्री तक टेम्परेचर गिर गया है। जो गर्मी का मौसम होता है, लोगों ने छतरी निकाल ली और बारिश का दौर लगातार इसी तरीके से आगामी 5 दिनों तक दीपक पूरे प्रदेश भर में जारी रहेगा और राजधानी भोपाल में भी जारी रहेगा। दीपक, चलिए आप बने रहे हमारे साथ। अब बुरहानपुर से गणेश का हमारे रुख कर लेते हैं, संवाददाता बने हुए हैं। गणेश, यहाँ तो काफी नुकसान हुआ है, बुरहानपुर में खड़ी फसलें खराब हुई है, बिजली के पोल गिर गए, अभी क्या अपडेट? जी बिल्कुल दीपक, बता देना चाहेंगे कि जो अप्रैल का महीना चल रहा है, अनुमान इस अप्रैल के महीने में यहाँ पर टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री तक होता है, परंतु एक तरह से मौसम ने यहाँ पर अप्रैल फूल मनाया है। और कल देर शाम को अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा आंधी के साथ में ओले जामुन के आकार के गोले यहाँ पर गिरे हैं, जिससे जो केला फसल है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस आप अनिमम 24 से 25 जो गांव है यहाँ पर केला फसलों को नुकसान हुआ है, साथ ही प्याज की फसलों को नुकसान हुआ है और मक्के की फसल को नुकसान हुआ है। इसको जायजा लेने के लिए कलेक्टर ने हालांकि टीम गठित कर दी है और आज सुबह से ही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और कलेक्टर भव्य मित्तल ये खेतों का निरीक्षण के लिए निकल गए। उन्होंने कहा है कि हम शाम तक इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है और इसकी रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसका आकलन किया जाएगा। पर वो बता दें आपको कि जो कल तेज हवा आंधी आई है, इससे लोगों के घरों के टपरे उड़ गए हैं, कच्चे मकान गिर गए हैं, केले की जो खड़ी फसलें थी वो जमींदोज हो गई है और जो बिजली के पोल गिर गए हैं, जगह जगह पेड़ों के गिरने की सूचना मिल रही है। आप ये समझेंगे कि जो मोहत, भावसा, खामनी, बम्बाड़ा, बड़झिरी, पोपनार, जम्मू पानी, इन क्षेत्रों में मौसम ने काफी तांडव मचाया है और यहाँ पर किसानों का भारी नुकसान हुआ है। एक तरह से कहीं किसानों पे एक तरह वज्रपात मौसम ने किया है और किसानों की आंखों से इस बार आंसू की धार रुक नहीं रही है बारिश के साथ साथ। चलिए, यानी मोटे तौर पर काफी नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया गणेश ये अपडेट पहुंचाने के लिए और दीपक आपका भी शुक्रिया राजधानी भोपाल से जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में हमने जाना, अभी आगामी कुछ दिनों तक, 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है, जिसको लेकर तेज बारिश का दौर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी तरह जारी रहेगा।